नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज लाइव। बिहार में दो सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और इन दो सीटों पर सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में जंग छिड़ गई है। अब महागठबंधन की दो प्रमुख पार्टियां राजद और कांग्रेस के बीच ऐसी तलवारें खींची हैं कि लग रहा है कि ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई हो जाएगी। असल में राजद ने पहले ही ऐलान कर दिया कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर राजद ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए और तब कांग्रेस ने यह ऐलान किया कि हम भी दोनों सीटों पर प्रत्याशी खड़े करेंगे। राजद का कहना यह है कि पहले ही बात हो चुकी थी गठबंधन के नेताओं से और बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास से बातचीत करने के बाद ही दोनों सीटों पर राजद ने प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान किया। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि बिहार में कांग्रेस को भी सीटों में शेयर चाहिए और कांग्रेस भी उन सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा आम हो गई और उसके बाद जेल से छूटते ही ये खबर फैल गई कि पप्पू यादव को कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर तारापुर से उतारना चाहती है। ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक था। कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद राजद तिलमिला गई। अब इस पूरी रिपोर्ट की पड़ताल हमने की है हमारे संवाददाता कुमार आकाश ने। आज सबसे मुलाकात की, सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं से वो मिले और उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट की पड़ताल करने की कोशिश की। कुमार आकाश ने सबसे पहले बात की है राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से। सुनिए मृत्युंजय तिवारी क्या कहते हैं। कांग्रेस से कोई दूसरे राज्यों में तो सीट मांगने नहीं जाएंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सब जगह चुनाव लड़ते, हम बिहार में सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, ये हमारा वाजिब हक बनता है। और ज़मीनी हकीकत भी है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में, हम बड़े भाई हैं राष्ट्रीय जनता दल, तो कांग्रेस पार्टी को सब चीज़ समझना चाहिए। इसके बाद भी अगर वो आत्मघाती कोई फैसला ले ही लेंगे तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जनता तय करेगी, जनता ना मालिक है। अब तो ऐसी स्थिति होगी तो कांग्रेस को उनके लोग भी वोट नहीं करेंगे। भाई वोट हमारा, कैंडिडेट तुम्हारा, ये भी नहीं चलेगा। कांग्रेस के कुछ नेता बिहार के, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो बिहार के मुख्यमंत्री, महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा है, जनता का अपार जन समर्थन तेजस्वी यादव जी के, उन पर हमला कर रहे बेवजह से, अनर्गल बयानबाजी करने से नुकसान होगा। हम कांग्रेस पार्टी का सम्मान करते हैं। हाँ, कि कांग्रेस पार्टी से बात करने के बाद हमने कैंडिडेट दिया है, बाकी कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र है। अब अगर वो कुछ भी फैसला लेती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए, राजद तो ये कह रहा है कि कांग्रेस अपने फैसले लेने के लिए तैयार है तो कांग्रेस फैसला ले सकती है। राजद ने चूंकि सबसे बातचीत करके अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं तो राजद अपने फैसले पर अडिग है। अब कांग्रेस को क्या करना है, कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं से आज कुमार आकाश ने बातचीत की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई और शकील अहमद जो कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता हैं उनसे भी बातचीत हुई। शकील अहमद ने तो हमारे संवाददाता से ये कह दिया कि हमें तो ये बात मालूम ही नहीं, लेकिन मदन मोहन झा कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात होगी तो आपको बताई जाएगी। कहीं ना कहीं एक इस तरह की कोई खिचड़ी पक रही है। तो क्या कहते हैं मदन मोहन झा, क्या कहते हैं शकील अहमद, आइए सुनते हैं। कुमार आकाश ने इन दोनों नेताओं से बातचीत की है, सुनिए। कांग्रेस के नेता पप्पू यादव के कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने पर ये दोनों नेता क्या बोलते हैं, पहले सुनिए कांग्रेस के नेताओं की बात। ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, उनको किसने ऑफर दिया है, ऐसा अखबारों में आया है सर? नहीं, ऐसी बात मेरे ख्याल से, हमारी तो कांग्रेस पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के का जो हमारा आला नेतृत्व है वो जो भी फैसला करता हम लोग मानते हैं। इस तरह की बात तो अभी तक मेरे कानों में नहीं आई है कि उनका विलय हो रहा है या उनको टिकट दिया जा रहा है, ऐसा तो कुछ हमारे कानों में आई नहीं। बातचीत चल रही है, हवाओं और फिजाओं में है, नेतृत्व फैसला करेगा, तुरंत खबर हो जाएगी। सर, यादव के पार्टी का कहना है कि अगर वो गठबंधन में शामिल करते हैं आप जाको कांग्रेस के साथ तो तब वो लड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसा उनके पार्टी के लोगों का कहना है, तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? कांग्रेस पार्टी कंडीशनल कुछ नहीं करती है। अगर उनकी तो मैडम हमारे पार्टी के एक अंग हैं, हर एक आदमी को अपने पार्टी को मजबूत करने का हक है, चाहे आप हो चाहे हम हो, आपका कोई इंस्टीट्यूशन है,
तो उसको लोग कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दें, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मीडिया ही से पता चला है। ऐसा नहीं जो उनसे मेरा संबंध नहीं है, उनसे भी संबंध है, उनके मैडम से भी संबंध है, लेकिन इस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं है। तो चलिए, ये बात थी राजद की और ये बात थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने एक तरह से अभी अनभिज्ञता जाहिर की है, लेकिन मदन मोहन झा जो बातें कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक रही है। लेकिन दूसरी तरफ जाप से भी हमारी बात हुई है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अभी पटना में नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद पटना में पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें पप्पू यादव रहेंगे, और उसमें ये बात इस बात को लेकर फैसला होगा कि कांग्रेस के साथ उनको जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन जब ये बात हो रही है कि इस मसले पर उनकी बातचीत हो रही है कि कांग्रेस के साथ जाना है कि नहीं जाना है, तो निश्चित रूप से जो खिचड़ी पक रही है उसकी सुगंध धीरे धीरे फैलने लगी है। तो पप्पू यादव क्या फैसला लेंगे? पप्पू यादव के उनकी पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में नेतृत्व संभालना चाहिए और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। तो क्या पप्पू यादव सचमुच कांग्रेस में जा रहे हैं? अभी इसका खुलासा पप्पू यादव ने नहीं किया, लेकिन उनकी पार्टी के कद्दावर नेता जो कुछ कह रहे हैं, कुमार आकाश ने उनसे बहुत देर तक बातचीत की है। आइए कुमार आकाश और पप्पू यादव की पार्टी के एक कद्दावर नेता की बात हम आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। जी को कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर मिला है चुनाव लड़ने का उपचुनाव में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से इतना ही आग्रह करेंगे कि एक मजबूत कांग्रेस, एक मजबूत विपक्ष इस देश को चाहिए, और कांग्रेस को बिहार में फ्रंट फुट रख करके आ करके बिहार के लोगों की जो उम्मीद है उस पर काम करना चाहिए। जहाँ तक सवाल कांग्रेस के तरफ से आदरणीय नेता पप्पू यादव जी के सवाल को लेकर के है कि चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी की आज बैठक है और कोर कमेटी की बैठक में तय होगा कि वर्तमान विपक्ष जिसके साथ आज कांग्रेस खड़ा है, निश्चित तौर पर जो आज ज़रूरत होना चाहिए विपक्ष को वो नहीं है। बैसाखी के सहारे कांग्रेस को नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस को आगे आकर के नेतृत्व करना चाहिए, और हम जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जी आज कांग्रेस के साथ होंगे। चलिए, युवा जाप के कद्दावर नेता हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ये कह रहे थे कि कांग्रेस को बिहार में नेतृत्व करना चाहिए, तो क्या महागठबंधन में कहीं कोई ऐसी जंग छिड़ गई कि अब ये जंग खत्म नहीं होने वाली है? क्या महागठबंधन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है? क्या बिहार में कांग्रेस एकला चलो की राह पर चल पड़ी है? क्या कांग्रेस एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर है जहां से उसको किधर जाना है उसको भी पता नहीं है? लेकिन एक बात तो ज़रूर छिड़ गई है कि कांग्रेस बिहार में कुछ न कुछ बड़ा करना चाहती है। हाल ही में कन्हैया कुमार के पार्टी में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव, जो राजद के युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान है और देश भर में उन्होंने अपनी एक ताकत और अपनी पहचान दिखाई थी, लेकिन अब ये चर्चा छिड़ गई है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और बिहार में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब अगर पप्पू यादव भी आ जाते हैं तो एक दो फायर ब्रांड नेता और यादवों के कद्दावर और जाने माने नेता पप्पू यादव के आ जाने से कांग्रेस जरूर ताकतवर हो जाएगी और राजद के नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन सब पर हमारी नज़र रहेगी। कुमार आकाश की इस रिपोर्ट को आपने देखा, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे वेबसाइट पर भी जाके आप अच्छी अच्छी खबरें पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़ लाइव। नमस्कार।